गाइज हव आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज़ फाइन एंड गाइज आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे आई होप एंड आज की वीडियो इज़ वेरी इजी एंड वेरी नाइस में आज की वीडियो बहुत ही अच्छी करने वाली हूँ बिकॉज आज हम पूरे ब्लॉग को नहीं करने वाले हैं लाइक like, कुछ भी हम यूज़ नहीं करेंगे मतलब लाइक यू नो कुछ और यूज़ नहीं करेंगे और ज़्यादातर इसमें ब्लॉग से यूज़ होंगे ओके okay, सो so, वैसे भी वही यूज़ होते थे लेकिन फिर भी बता रही हूँ um, ओके okay, सो so, आज हम एक बनाने वाले एक रोटेटिंग स्क्वायर टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा एंड सो लेट्स स्टार्ट सो बिफोर स्टार्टिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल एंड हाँ गाइस मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा कर रही हूँ सो गाइज प्लीज़ आप मेरे लिए एक लाइक तो कर सकते हैं ओके सो फर्स्ट यू हैव टू टेक योर स्प्राइट विच एवर स्प्राइट यू वॉन्ट एंड मैं जस्ट आपको समझने के लिए यहाँ पर uh, एक बैकड्रॉप सेलेक्ट कर रही हूँ जो कि होगा एक्स वाई ग्रेड वाला बैकड्रॉप ओके सो सो जस्ट सर्च दिस ओके सो यहाँ पे आपको जस्ट सर्च करना है अगर आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो एक्स वाई ग्रेड विचा वो यू कैन टेक एंड इसको फर्स्ट वाला डिलीट कर देते हैं एंड जस्ट आपको समझने के लिए मैं ये यूज़ करी बिकॉज़ अगर आप ये यूज़ करते हो ना आपका प्रोजेक्ट जो आपको बनाने में बहुत ही ईजी होता है आपको कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं होता डिग्रीज सब कुछ ईजिली पता चल जाता है ओके okay, सो so मैं आपको जस्ट फर्स्ट कोड से स्टार्ट करती हूँ आपको समझाती हूँ ओके okay, सो so पहले तो आप थ्री ब्लॉक्स बनाकर रखना ओके okay, फर्स्ट आपको स्क्वायर बनाना है ब्लॉक ओके okay, मैं कोड दिखाती हूँ पहले आपको स्क्वायर ब्लॉक बनाना है एंड देन रोटेटिंग स्क्वायर मतलब रोटेटिंग जो मेन वाला है एंड देन डबल स्क्वायर क्योंकि इसमें दो स्क्वायर्स होंगे एक अपवर्ड वाला होगा और एक मतलब एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल टाइप होगा सो so, इस तरीके से करना है उसकी डिग्री बदली हुई है जस्ट मैंने जस्ट इट्स जस्ट सेम बहुत ईजी है ओके okay, तो ये तीन ब्लॉक्स बनाना है एंड देन एक क्लियर स्लेट कोड लिखना है आपको मतलब लिखना नहीं है सॉरी करना है एंड देन ड्रैग करना है एंड देन यहाँ पे माई ब्लॉक से इस रोटेटिंग स्क्वायर को लिंक करना है सो नाउ जस्ट लेट स्टार्ट द वीडियो ओके तो अब इस कोड को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली तो हम लेंगे यहाँ पे मूव 10 स्टेप्स मैंने मूव टेन स्टेप्स ही लिया है यहाँ पर यहाँ पर दिस देखो जिसमें मैं आप चाहती हूँ कि इस चीज़ को आप ध्यान से समझो ओके मैंने यहाँ पर मूव टेन स्टेप्स लिया है देखो यहाँ पे पहले इस ऑपरेटर को यूज़ किया है मैंने जस्ट सी दिस माइनस एंड ये स्लैश डिवाइडेड वाला ऑपरेटर है जैसे यहाँ पे देखो ज़ीरो माइनस हंड्रेड कितना होता है माइनस हंड्रेड एंड माइनस हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू कितना होगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू फिफ्टी तो मतलब ये माइनस फिफ्टी है राइट right? सो so, ये माइनस फिफ्टी है अगर सपोज़ यहाँ पर देखो अगर मैं इसको यहाँ पर भी माइनस फिफ्टी रख लूँगी ना तो भी मतलब प्रोजेक्ट जो है वर्क ही करेगा ओके okay? सो so, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार दिखाई देती हूँ एक बार मैं दिखाई देती हूँ इसको ना एक बार आ, ये कर देंगे हम क्या कहते हैं इसको स्क्वायर को पहले एक बार लिंक कर दूंगी आपको समझाने के लिए तो इसका एक्चुअली स्क्वायर करना नहीं है मैं कर रही हूँ ओके okay? तो यहाँ पर आप देख देख लो ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने पैंट डाउन डाला नहीं है ओके okay. सो so, ये इतना वर्क हो रहा है इस तरीके का बट स्टिल ये वर्क हो रहा है लाइक यू जस्ट सी दिस ओके ये वर्क तो हो रहा है एटलीस्ट ओके सो ये वर्क फिर भी होगा माइनस फिफ्टी अगर आप डालें डालेंगे तो फिर भी ये वर्क होगा एंड देन अगर मैं इसको माइनस फिफ्टी नहीं डालती हूँ सपोज़ मैं इसको यहाँ पे निकाल देती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे डाल दी एंड ये काम को जो है अपने तो बहुत ही ईजी बना देता है इसलिए ऑपरेटर्स ब्लॉक आपको यूज़ करना होता है सो so, इसको ज़्यादा बड़ा यूज़ करना नहीं होता मतलब तो बहुत ही ईजी बन जाता है ये अगर आप डायरेक्ट भी यूज़ करते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल अगर आपको वर्क को बहुत ही ईजी करना है देन आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो ओके एंड देन उसी की तरह देन यहाँ पर आपको माइनस नाइन्टी डिग्रीज डालना है एंड देन मूव फिफ्टी स्टेप्स यहाँ पर यहाँ पर क्या था माइनस फिफ्टी था है ना यहाँ पर माइनस यूज़ किया एंड देन स्लैश यूज़ किया तो minus 50 50 है तो यहाँ पर माइनस फिफ्टी था एंड यहाँ पे पॉजिटिव फिफ्टी है ओके एंड देन इसमें क्या था नगेटिव नाइन्टी था इसमें पॉजिटिव नाइन्टी है सो so, यहाँ पर देखो देन पेन डाउन जिससे यहाँ पर आप मेन कोड जो है स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हो तो so, ये मेन है एंड पेन डाउन यहाँ से स्टार्ट होती स्क्रिप्ट जो कि मेन स्क्वायर की ही है देख सकते हो आप जो फोर टाइम्स रिपीट करना है आपको टर्न रिपीट एंड टर्न रिपीट करना है मूव रिपीट एनल करना है ओके okay, सो so इसको डुप्लीकेट करना है एंड देन पेन अप क्योंकि हमें एंडिंग में इसका पेन जो है वो अप नहीं तो ये कहाँ पर भी ड्रॉ कर देगा सो so, यहाँ पर देखो सेम थिंग यहीं पर भी हुई है मूव हंड्रेड स्लैश टू स्टेप्स मतलब मूव फिफ्टी स्टेप्स फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर फिफ्टी ही रख दूँ तो भी मेरा प्रोजेक्ट काम करेगा सी ये प्रोजेक्ट फिर भी काम करेगा एंड uh, यहाँ पर देखो टर्न नाइन्टी डिग्री है एंड यहाँ पर अगेन फिफ्टी स्टेप्स है ओके okay. क्योंकि दूसरे वाले स्क्वायर का क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो ना आप यहाँ पर मैंने दो स्क्र्स डाले हुए हैं मतलब देखो ये दो स्क्वायर्स है तो ये दूसरे वाले स्क्वायर का है सो so, इसलिए अगर मैं इसको हटाती हूँ तो ये नहीं होता ओके फाइन सो अब हम देखते हैं दूसरे नेक्स्ट कोड ओके नेक्स्ट ब्लॉक का कोड सो पहले इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीन भी ले सकते हो इस कोड का स्क्रीन आप ले सकते हो इसको मैं इस तरीके से हाफ करके दे देती हूँ इसका स्क्रीन आप ले सकते हो ओके जस्ट इसको साइड कर देंगे एंड इसका स्क्रीन आप ले सकते हो इट्स वेरी इजी जस्ट मैंने इसको नीचे किया हुआ है यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड देन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड ओके okay. तो आ, अब हम इस आ, डबल स्क्वायर को देखेंगे क्योंकि रोटेटिंग स्क्वायर तो लास्ट में होगा डबल स्क्वायर जो कि ये बहुत ईजी है ये जो स्क्वायर होता है नॉर्मल स्क्वायर वाला कोड है उसको इस पे से लिंक कर देना है एंड देन टर्न फोर्टी फाइव डिग्री कर देना है टर्न फोर्टी फाइव डिग्री कर देना है एंड देन जस्ट लेफ़्ट फोर्टी फाइव डिग्री कर देना है ओके okay? सो so, यहाँ पे मैंने फोर्टी फाइव रखा है अगर आप आप पर कौन सी भी डिग्री करते हो मतलब यहाँ पर भी वही करना है जस्ट आपको इसका टर्न जो है वो चेंज करना है यहाँ पे टर्न राइट फोर्टी फाइव और यहाँ पे टर्न लेफ्ट फोर्टी फाइव लेकिन इसमें लिंक तो आपको करना पड़ेगा ये लिंक तो करना पड़ेगा सो इट्स वेरी इजी ओके ये रहा डबल स्क्वायर का कोड इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ओके okay, सो so, अब हम रोटेटिंग स्क्वायर देखते हैं ओके सो रोटेटिंग स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स वेरी इजी आप यहाँ अगर देखो अगर मैंने यहाँ इरेज ऑल क्यों डाला है बिकॉज देखो रोटेटिंग स्क्वायर इज़ वेरी इजी बहुत इजी है मैंने इसलिए यहाँ पर ऑल डाला है क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से कलर ही फिल कर देगा सो so, इससे पहले कि ये कलर फिल करे उससे पहले मुझे इसको ऑलरेडी इरेज ऑल करके इसको टर्न करते रहना है वैसे तो ये एक टर्न अपना बन ही रहा था जस्ट ये वहाँ पे कलर फिल हो रहा है आई नो कि मैं बहुत बात कर रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ओके सो यहाँ पर देखो अभी टर्न टू डिग्रीज अगर सब अगर आपको इसकी स्पीड ज़्यादा करना है देन लेट्स फाई करते हैं यू सी किस तरीके से हो रहा है एंड सपोज़ अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कर देती हूँ एल एच सी देख सकते आप कितना स्पीड तरीके से मूव हो रहा है ये बहुत स्पीड तरीके से मूव हो रहा है राइट right? सो so, इसको मैं क्या करूँगी थर्टी नहीं रखेंगे हम इसको टू ही रखेंगे क्योंकि ये इसकी नॉर्मल स्पीड है मुझे लगता टू ठीक था इसलिए मैंने टू रखा ओके सो यू कैन इसकी स्पीड आप चेंज भी कर सकते हो एंड इसको लिंक्ड करना है रोटेटिंग स्क्वायर में ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर सपोज़ ये रोटेटिंग स्क्वायर वाला खुद इसमें ब्लॉक नहीं है तो ये रोटेट कैसे होगा एंड सपोज अगर मैंने रोटेटिंग स्क्वायर डाला एंड ये डबल स्क्वायर में नहीं डाला तो वो मतलब होगा ही क्या मतलब बनेगा ही नहीं कुछ भी राइट सो इथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने डबल स्क्वायर इसमें लिंक किया है एंड देन रोटेटिंग स्क्वायर तो अब okay? so, ये वर्क हो रहा है ओके सो यही इसका कोड था एंड यू कैन टेक ऑफ़ दिस कोड एंड या इसको हम सही तरीके से रखते हैं एंड यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड जस्ट एंडिंग में आपको रोटेटिंग स्क्वायर इस पर लिंक कर देना है ओके फाइन सो या यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस बोल अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा तो आपको इसकी क्वालिटी इंक्रीज करके आप देख सकते हो सो दिस वॉज इट फॉर टू डेज़ वीडियो एंड आई होप गाइज यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट